Hi babies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click the on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sari sai link description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? We are seeing Slay Point again. I mean, pata nahi kaise ho gaya, lekin just happened, okay? Last week ke end mein तगेशो पे स्ले पॉइंट केम, तो हमने उसका रिएक्शन किया. उसके बाद मुझे पता चला इवन स्ले पॉइंट हैज़ अपलोडेड अ वीडियो, सो हमने उसको सेव टू वॉच ट्विटर में किया. उसने कहा अच्छा ठीक है ये करते हैं, फिर एक दिन के बाद फिर से स्ले पॉइंट का दोहराएंगे वीडियो. बट देन आई जस्ट सॉ टुडे मॉर्निंग व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस, सो टुडे मॉर्निंग तगेश अपलोडेड ए मीम वाला वीडियो. आई वाज लाइक सीरियसली, सो समटाइम्स ऐसा हो जाता है. ओके, सो पीपल हु वॉन्ट अदर क्रिएटर्स वीडियो वो भी आएंगे, बट जस्ट जो नए वीडियोज़ आते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा पहले प्रेफरेंस मिलने वाला है. बट आई एम गोना ट्राई टू डू ऑल ऑफ देम जितना हो सके उतना, सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट. एंड वी लव इट क्योंकि व्लॉग भी मुझे अच्छे लगते हैं, क्यू एन ए भी अच्छे लगते हैं, बट आई प्रेफर देयर रोस्ट वीडियोज़. दिस वन इज़ वियर्डेस्ट फैशन डिकोडेड उर्फी जावेद. लेट्स गो, लेट्स गेट इट. उम्मीद करते हैं ये वीडियो जाएगा, रहेगा और मज़ा आएगा. As a person who loves fashion way too much and who actually understands high fashion or couture fashion, let's see how much they are going to, you know, actually be logical or kitna wo art ko bhi samajh rahe. Because a lot of people, jo normal, hum normal public hoti hai, wo art jo hota hai fashion ka ya phir wo couture fashion hota hai aur particularly usko high fashion bolte hai, that's pretty unique and to be honest, normal layman language mein weird, theek hai. So they don't really understand that fashion, they don't understand that art, they will never be able to because wo genuinely aap nahi pehen sakte ho real life mein. It's just something that you have to make, usko runway pe rakho, khatam baat. But we'll see how much they have shifted on the both the ends because I know that they always cover sare platforms. Theek hai, let's go, let's get it. Kulfi beta, bahar se kapde le aana. Kulfi mera shirt. कुल्फी खाने का मन करेगा मुझे भी. एक चिपिया क्यों लगाया बाहर? मैं जी का सबसे बड़ा फैन हूँ. Here's my closet. My daily outfit. एनाबेल निकली? के पास जा रहा हूँ. इसमें क्या बनवाने वाला है? अरे थैली का ही तो बनवाना था यार, ये वॉशिंग मशीन में धो दे यार. इससे तो मशीन टूट जाएगी. तो सही है ना, उसके टूटे पार्ट्स का भी नया ड्रेस बना लेंगे. हर जगह आजकल यही चल रहा है. कुर्सी 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 वायरस चला दिया क्या शर्ट पे? कार्टून नेटवर्क पे भी पिछली. कितना क्रीपी है. मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको उर्फी आई. उर्फी आई इस बीमारी का वुहान ढूंढना ही पड़ेगा, जिसके लिए पेशेंट जीरो मुझे पहले ही मिला हुआ. वो की शैतान मैं हूँ. अच्छा बना है. ओ ओके, तू फोटो स्टूडियो भी चलाती है. वाव यार, एक पासपोर्ट साइज फोटो खींचना मेरा भी. अबे चुप, आज क्या पासपोर्ट साइज. आज का थीम है टपरी, टपरी की चाय, टपरी. इसमें पोहा सर्व होगा. ये है व्हाई डिड यू ऑल्ड खा के हो गया तो टिश्यू से मुंह भी पोछ लो. वो घोंसला कन्वीनिएंट. आज से अंडे रखता हूँ इसमें फॉर फ्रेश ऑमलेट्स. बैक देन बिल्कुल अपने फेवरेट उर्फी जैसे. तेरी ज्यादा फेवरेट लग रही है. तुझे पता है वो कहाँ से आई है? जहाँ से सब आते. ये ट्वीट कर. चार सब आते हैं. सेंट ऑन अर्थ, सेंट to piss people off and I think I'm doing a great job. Great नहीं, best है वो इस job. Sent on earth. English वाला. मैंने crack कर लिया. जादू टमाटर की बोरी पहनता है और ये आलू. ये चलता constipated penguin जैसे है. Hey, no जादू slander. जादू धूप खाता है और ये एयरपोर्ट की लाइट खाती है. जादू के नाम में है पांच लेटर और उर्फी में भी पांच. एग्जैक्टली मतलब उर्फी जादू की गर्लफ्रेंड.
जादू भार इस यार अबे गवार उर्फी ही जादू ओके आई एम पॉजिंग टू से दिस नो ऑफेंस टू उर्फी लाइक मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं है उनके लिए भी कुछ नहीं है ओके बट आई लव जादू देखो कोई मिल गया देखने में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा इसीलिए आता है बिकॉज आई हैड दिस बॉन्ड विद जादू के जादू सो बेचारा इतना स्वीट था इतना इनोसेंट अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मीन टू उर्फी एंड से अच्छा इनको कंपेयर क्यों किया वट एवर दैट इज लाइक आई सेड मैं फैशन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आई अप्रिशिएट जो ऐसे रिसाइकल क्लोथ्स बनाते हैं या फिर जो भी कुछ करते हैं एंड लॉट ऑफ टाइम्स उनके जो भी बनाए हुए कपड़े होते हैं दे एक्चुअली लाइक ओ वाओ ये कैसे सोचा दैट्स प्रीटी जीनियस ऑफ हर और कुछ ऐसे भी होते हैं कि ये क्यों किया है राइट मुझे वो वाले ज़्यादा लगते हैं थोड़े बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन एंड या दैट्स इट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट आई डोंट रियली आई डोंट व्हाई कंपेयर आई लव जादू तो प्लीज़ कोई मिल गया कि वो स्लैंडर करो जितना करना है लेकिन वो उस टाइम की अच्छी मूवी थी और जादू प्लीज़ यार आई एम जेन्युइनली ऑफेंडेड एट दिस जादू आई क्राइड फॉर जादू जब जादू चला गया उसको यू नो लोग वो मार रहे थे एंड उसको सब बुरा भरा बोल रहे थे मैं इतना रोई थी मैं बच्ची थी ऑफकोर्स उस टाइम बट अभी भी आई थिंक मैं रोती उसके लिए जादू को कोई प्रॉब्लम दिखती है आई एम ऑफेंडेड और ये पहन लेती है इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही तुझे क्या लगता है ये बार बार एयरपोर्ट क्यों जाती है ये चेक करने के लिए कि स्पेसशिप उसे वापस लेने के लिए आया कि नहीं अबे फ्लाइट लेने जाती है उसी का बैंक बैलेंस भी पता है क्या बैंक बैलेंस वो अपना शरीर बैलेंस कर ले पहले That's like those heels are like यहाँ उसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता इनके लिए 24 घंटे भूकंप भी चल रहा है स्टॉक मार्केट में ये गिरती रहती है Hope she's fine though ये बार बार गिरना क्या बोलते हैं इसे इम्बैलेंस और इम्बैलेंस में कौन से वर्ड के लेटर्स होते हैं ए एल आई ई एन ए वो किसके लेटर्स हैं जी यू गू खाली गू डिटेक्टिव निकल तू जैसे चोर बाजार में भी बार्गेनिंग करने वाले कभी नहीं समझेंगे असली फैशन आइकॉन को डाइनिंग टेबल से बनाया पता है वो डाइनिंग टेबल का जो कवर होता है सोच तूने ये पहना हुआ है और गंदी गैस हो गई यार ये पहन के पादूंगा तो प्लास्टिक पे भाप जम जाएगा यार सबको पता चल जाएगा बनाने के बाद जैसे शीशे पे अपना नाम लिखते हैं वैसे मेरे पिछवाड़े भी लिख देंगे पदोड़ा एलियंस को थोड़ी गैस होती है तू अपने घर का टेबल कवर पहन भी नहीं सकता व्हाई डू आई इमेजिन दैट विद पैंट पे पीला पीला क्या लगा है अरे वो नहीं कल दाल गिर गई थी टेबल पे एक साइड से कहीं जा रहा हुआ पोस्ट ऑफिस के सामने अचार के दाग लगे ऐसे नहीं हो और ये देख ये नेकलेस पक्का उसने जुपिटर के तनिष्क से लिए बता रही हूं जुपिटर के तनिष्क ताला मारा है ताकि कोई उर्फी जी का दिल ना चुरा ले मैं इस ड्रेस की डिजाइनर होती ये अब खोलते बैठ अरे ये निकलेगा कैसे नहीं यार ये कितनी अच्छी है इकलौती ऐसे जिसने साइकिल लूटने की जगह सिर्फ उसका चेन और ताला लूटा हमारे लिए मेरे पास की ड्रेस से दाढ़ी छील दो आलू छील दो ब्रेकअप हो गया नस छील दो कुछ नहीं बस उर्फी मैम को चाय पे बुला लिया था कुछ नहीं बस उर्फी मैम को हाय बोलते समय हग कर लिया था और तू ये सेम पहन के देव एंड डार्क मैं चिल तो गए मेरे पीछे दो से दस चिल तो गए तो पीच होता है ना पीच आम थोड़ी हम दिन भर खड़े रहते हैं बहुत फिट है हम हाँ हाँ तो है साइकिलिंग जो करती है चेन टूट गई ओ नो अब इसको ठीक कर अजी घंटा वो भी पहन लिया देखो वी बिलीव इन रिसाइकलिंग तो जो खराब होगा वो पहन लोगे क्या यार ये रिमोट ही खराब है लॉजिक
I like the placement of the remote. यार मेरा दिमाग ही खराब है. दिमाग पीछे. मस्त आइडिया यार. Oh my god. कपड़े कहाँ से लिए? बिग बाजार, मिंत्रा? नहीं, पंकज साइकिल रिपेयर से. तू जाके अपनी पूरी फैमिली. हमारे साइकिल रिपेयर का नाम टायर्स. हाँ टायर्स मम्मी पे बड़े अच्छे लगेंगे. गर्लफ्रेंड गियर पहनेगी, मैं चेन, दोनों साथ में घूमेंगे. फॉरेन में कोई सेम चीज पहने तो क्या सुपर मॉडल फैशनिस्टा. इंडिया में करे तो बहुत प्रॉब्लम है भाई. कोई कुछ भी कपड़ा पहने ना. That's true. They do that. कोई ह्यूमन. टूटा हुआ कांच, लोहा, कॉटन कैंडी, फोन, फल, कचरे की थैली. क्यों पहनेगा? कैसे? अरे उनको पहनना पड़ता है क्योंकि माय बॉडी इज अलर्जिक टू क्लोथ्स. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई वेयर लाइक फुल क्लोथ्स. लाइक माय बॉडी इज एक्चुअली allergic to clothes, guys. Okay, I can't believe मैं दूसरी बार pause कर रही हूँ. Okay, but to say this, like घर में मैं ना मुझे भी ऐसा लगता है कि यार this is just like I just enjoy being free. Okay, ये सबसे easy अच्छे से मैं बोल पा रहूँ. But I just feel like I wish I can just be like free थोड़े time तक. It's just so hot, I cannot tolerate. क्योंकि आपके यहाँ का पता नहीं, यहाँ पे already गर्मी बहुत बढ़ गई है और हमारे यहाँ मई तक तो 50 से ऊपर चली जाती है. सो व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू ऑलवेज फील लाइक आई वांट टू लाइक रियली फ्री एंड लाइक ले डाउन क्या बोलते हैं बेड पे पंखा चालू करके बिकॉज उस टाइम एसी नहीं था घर पे. आई वाज जस्ट लाइक पूरा बस वुडेंट लाइक पैड माई बॉडी ड्राई. ठीक है, नहाने के बाद वो ठंडा रहे उसके लिए आई वुड डू दैट. आई जस्ट लाई डाउन ऐसे. I think I'm probably talking जब मैं 5-6 साल की थी. But I used to always think about it कि काश हम फ्री होते ऐसे. I'll use the word free क्योंकि मुझे नहीं पता YouTube क्या कुछ कर ले उसके साथ से. But yeah, like just how I mentioned कि जो उनकी फैशन है, जो भी उनका रिसाइकल करने का तरीका है, इट्स ऑल जस्ट आर्ट एंड जस्ट समथिंग दैट शी थिंक्स अबाउट. उसको रियल लाइफ में पहनना नहीं होता ना, फिर उस पर लॉजिक लगाने की ज़रूरत होती है बिकॉज कोई नहीं पहनेगा वो चीज़. इट्स नॉट समथिंग यू वेयर. इसलिए रनवे फैशंस भी ऐसे होते थे ना. अब देखो तो लगेगा ये क्या है, क्यों बनाया है, कौन पहनने वाला ये. नाउ इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट क्योंकि नाउ अभी रनवे पे से उठा के लोग एक्चुअली एटलीस्ट सेलिब्रिटीज़ रेड कार्पेट्स पे पहन रहे हैं. एंड दिस इज़ समथिंग हु आर इंटरेस्टेड इन फैशन वुड नो. बट उसके बारे में कुछ घंटा नहीं मालूम होगा तो यू विल फील द सेम है क्यों है ये. राइट, बट दैट्स फाइन. आई मीन काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं चलती किसी और के बारे में, तो वी ऑल्सो माइट फील लाइक दैट इन जनरल. बट या लाइक आई सेड, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वेयर. एक और भी है, आई थिंक शी कोमल पांडे, राइट. तो ऑफकोर्स शी डजंट रिसाइकल, या फिर वो अपने खुद के क्लोथ्स नहीं बनाती है. इफ़ यू कॉल इट अ क्लोथ, यू कैन से कॉन्सेप्ट आउटफिट. ठीक है, बट उनकी जो लेयरिंग की स्टाइल होती है या फिर वो जो पहनते हैं, वो जो स्टाइलिंग करते हैं अपने आप पे, वो नहीं कर सकते नॉर्मल लोग. यहाँ पे कितनी गर्मी है पता है? ओके, दिल्ली में वो जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी भी ठंडी होती है. यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत गर्मी होती है. यू कैन नॉट डू 4-5 लेयरिंग्स. प्लस शी इज़ ऑन द पेटीट साइड. ठीक है, उनकी बॉडी वाइज सबके बॉडी पर सेम चीज़ सूट करना ज़रूरी नहीं है. सो यू कैन लाइक बी प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ फैशन के यार हम ये लगता है बहुत मस्त, लेकिन तुम कर नहीं सकते. बट दैट्स फाइन नो, क्योंकि वो सिर्फ देखने के लिए होता है कुछ चीज़ें. सब कुछ पहनने के लिए या फिर सब कुछ ट्राई सब करें ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो इट्स जस्ट दैट पॉइंट आई सपोज. बट आई लव देम, दे आर पुटिंग इट सो वेल एंड इट्स नॉट इवन ऑफेंसिव. लाइक काफ़ी लोगों को मैंने देखा है टू पॉइंट इट आउट अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन, और वो बहुत ही मतलब ख़राब तरीके से रोस्ट करते हैं. इट्स नॉट ओके टू लाइक सेंड हर रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स जस्ट बिकॉज आपको नहीं पसंद है वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, अपनी बॉडी के साथ, अपने चैनल पे, अपने अकाउंट पे. राइट, अनलेस एंड अनटिल शी हैज डन समथिंग लाइक तुम्हारे लिए कुछ गलत किया हो, यू शुडन बी सेंडिंग हर रेप थ्रेट्स एंड डेथ थ्रेट्स. क्योंकि वो बहुत लो हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही है. ह्यूमैनिटी के नीचे चले जाते हैं लोग. एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग. सो आई एम मोर देन ग्लैड कि जो जिस तरीके से वो जा रहे हैं, इट्स एक्चुअली वेरी लॉजिकल एज वेल. बट एट द सेम टाइम कि वो ऑफेंसिव नहीं है. एंड आई रियली एन्जॉय स्ली पॉइंट फॉर ऑलवेज डूइंग दैट, अप्रिशिएट इट. बट या, दैट्स व्हाट इट इज़. इट्स नॉट टू बी मेंट टू बी वोर्न, इट्स जस्ट फॉर आर्ट एट सम पॉइंट.
को दिखाओ ये असली स्ट्रगल और इसको बॉल पहना दो, कांच पहना दो, कब नहीं होती है एलर्जी? पता है क्यों? क्योंकि कॉटन उगता ही नहीं होगा इसके प्लेनेट पे, इसीलिए हो रही है एलर्जी। एलियन मुझे एलर्जी नहीं होती है, बट तो इतना भी नहीं पता, इट्स गुड टू बी फ्री समटाइम्स। पैंट होती है ये, तुम लोगों को पहना दिया है। ओके, दिस वाज क्वेश्चनेबल अकॉर्डिंग टू मी। ऊपर वाला या नीचे वाला? इनसे कोई बोले कि अपनी फोटोज कहां लगाओगी? इंस्टा, एफबी? नहीं, पेट पे, बगलों में, कमर पे। इतनी फोटोज लड़कियां फिर भी ये ट्रेंड कर सकती है। हम लड़के जो साल की एक सेल्फी लेते हैं उससे क्या क्या ढके, और एक मनुष्य शक्ल काफी नहीं कि 25 लगा के घूम। वही तो सोच, तो पूरा इंस्टाग्राम फीड बन के घूम रहा। डोंट कॉल यूरसेल्फ मनुष्य। अरे डबल टैप, अच्छा लाइक, डबल टैप। मुझे बदन पे लाइक्स नहीं, ठीक है ना? ये ठीक। और ये इतना भागती क्यों रहती है? किससे भाग रही? मेरे इन्वेस्टिगेशन से। जब साइकिल के पुर्जों पर 50% छूट चल रही हो। यार तू जवान और ये मीडिया के बुड्ढे कभी फैशन नहीं समझ पाओ। उधर वो न्यूज वाले कोबरा स्नेक आउटफिट को लेकर ग्रीन लुंगी ड्रेस, लुंगी क्या धोती पहनी है ये मैंने? क्या निकला लेकिन? और यहाँ उर्फी मैम पूरा ओशन पहन के आई है, और ये उर्फी का पत्ता ओशन अवतार सामने आया। उर्फी का पत्ता गोभी अवतार, पत्ता गोभी अवतार, पत्ता गोभी। अब ये टिफिन में आलू गोभी लाए तो इन्हें सब गोभी दिख रहा है। नो, नंबर चेक कराओ आंखों का। 20 रुपए किलो में थोड़ी बिक्री है वो ड्रेस यार। चेक कर, टेलर ने कपड़े के साथ 20 किलो। अगर ये एलियन है तो ये धरती और मिर्ची भी ना थोड़ी। कितनी फेमस कैसे हो गई तू वो पता? पप्पी से, जहाँ राखी की सारी मीडिया आकर्षित करने वाली शक्ति अपने में ट्रांसफर कर। आज से मेरे ख्याल से के आपका 5 ईयर सब लोग बड़ी बड़ी सब तुमको ही कॉपी करने वाले हैं, सब तुमको ही कॉपी करने वाले हैं, सब लोग आई डोंट थिंक सो, because you don't really wear these things in real life, that's why. पहने में नहीं देख सकता, पता चला हमारे चाचा शर्ट से रजनीकंदा तोड़ के खा रहे हैं। मैं इमेजिन क्यों कर रही हूं? घूमने लगे तो नीचे भी ताला। भाई इसकी एक्स्ट्रा चाबी मैं नहीं दे रहा पड़ोसी को। ये घर की बाथरूम का क्या? ये चड्डी की, ऐसे घूमना पड़ेगा। अब समझ रहा है ना तू? पर एटलीस्ट उर्फी जी मेरा फेवरेट स्पोर्ट तो खेलती है, अपने प्लेनेट की विराट तो हो। स्टुअर्ट बिनी है, विकेट कहाँ है? वो टेलर को दे दिया होगा अगला। शी इज स्टिल बेटर देन मी। रेड पहन के बिल्कुल आरसीबी जैसी बैटिंग। ए ए देख तो उर्फी सपोर्ट किस टीम को करती है। नहीं, which team नहीं, is this? नहीं, 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 मुंबई इंडियंस। ओके, नहीं यार, मैं उर्फी जी के लिए क्या कुछ नहीं पहना, वो एक सही जर्सी नहीं पहन सकती। सांपों को अपना आइडल बना रखा था मैंने, लिटरली। और मेरा फाइनल एविडेंस, जब उर्फी के मुंह से गलती से उसका मिशन बाहर आ गया। उर्फी अभी तक कोई ऐसा चीज बचा है जिससे आप ड्रेस ना बनाए हो? इंसान की चमड़ी तो अभी तक बची हुई है। किसी को मार के किसी की चमड़ी की ड्रेस कितनी अच्छी लगेगी ना? किसी को मार के किसी की चमड़ी की ड्रेस कितनी अच्छी लगेगी ना? अच्छा धारी एलियन। आई नो शी वाज जोकिंग, लेकिन क्रीपी। आई होप शी वाज जोकिंग। ऑथेंटिक इंसानी लेदर? नहीं नहीं नहीं, दिस इज हॉरर मूवी गाइस। वापस भेज रहे थे, गलती से 5 और बुला लिए। उर्फी का भाई बर्फी, उल्फी, सेल्फी, जुल्फी, बर्फी। क्यों? आई मीन इट वॉज प्रिटी क्रीपी जो उन्होंने किया वो चीज़। ओके, आई थिंक मे बी इट्स एडिटेड लाइक दैट, मुझे नहीं पता है। वो आई वॉज नॉट थिंकिंग मैं दो बार इसको पॉज करूँगी, इतना छोटा वीडियो। इट्स ओके, वी ऑलवेज डू दैट। ओके, यहाँ पर सिर्फ हम बैठ के देखने नहीं आए, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली कंप्लेन कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो। आई मीन यू वॉन्ट मी टू जस्ट कम हेयर एंड जस्ट सिट एंड वॉच, बस ऐसे ही देख के लो एफर्ट में भी मैं लो एफर्ट डालूँ, आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नहीं है करने के लिए उसमें। तो जस्ट इमेजिन आई जस्ट हैव टू कम हियर एंड वॉच, जो बोलना भी नहीं है कुछ।
If you're going to just watch it like that, I'm more than happy. But no, I'm not going to do that. I enjoy being vulnerable. I enjoy sharing experiences, opinions, stories, or जो भी कमेंट सेक्शन में आती है स्टोरीज, वो भी आई लव टू हियर एंड कमेंट बैक, क्योंकि आई सम हाउ फील लाइक यू नो हम आई वांट कि हमारी एक सेफ स्पेस बने. मुझे नहीं पता किसी और क्या चैनल, आई मीन जो भी रोज चैनल्स है कि जो भी है जहाँ पे तुम्हारा कुछ चीज़ें आप सब जगह नहीं बोल सकते हो, बट आई वांट कि हम ऐसी एक प्लेटफॉर्म बनाए जस्ट फॉर इन द कमेंट सेक्शन और जस्ट फॉर मी एंड माय बेरीज की वी कैन बी वल्नरेबल एंड जस्ट से इट ऑल आउट विदाउट फीलिंग जज्ड. ये वो तो होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज देर इज़ समवन हुज़ गोइंग टू जज यू. तुम कुछ भी कर लो, अच्छा करो बुरा करो, कोई ना कोई तो उससे उसके खिलाफ होने ही वाला है. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू आज का वीडियो, आई एम जस्ट सेइंग. सो इफ़ एट ऑल यू फील लाइक दैट, मुझे ऐसा चाहिए कि एटलीस्ट जो मुझे देखने वाले लोग हैं वो लोग अपने कॉमेंट सेक्शन में वो चीज़ बता सके कि नहीं ऐसा हुआ आज, एंड जस्ट वी क्रिएट अ कम्युनिटी जो उसको देख के जज करने के अलावा कि उसके बजाय उनको बोलेंगे इट्स ओके, इट्स गोना बी फाइन, जो भी है, दो वी कांट हेल्प यू. I just want that to happen. So I keep on doing that. I also want to grow. Because मैं भी वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ. Even I am a human. I judge a lot of people. And then I realize that क्यों करना है किसी को judge? हम भी perfect नहीं है, right? So I just want to grow with you guys. So I'm gonna keep doing this. People who don't like it will not watch my video again. I know that. But जिनको पसंद है ये चीज़ वो रहने वाले हैं. And we'll create this community. I'm telling you. ओके, बैक टू द वीडियो. जैसा मैंने बोला, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आई फील लाइक वाओ. आई डू फॉलो हर एंड आई डू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई लव फैशन. आई लव जेन्यूनली लव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. तो काफ़ी चीज़ें होती है जो मुझे लगता है यार बहुत सही बनाई है, व्हाट अ जीनियस आइडिया दिस इज़. और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती है जो मुझे लगता है यार दिस वॉज नॉट गुड, विश शुड शी कुड हैव नॉट डन इट, नॉट डू दिस, बट उसको अच्छा लग सकता है वो चीज़, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. And it's her choice. So अगर मुझे नहीं अच्छा लगता है, I don't like the picture, मैं इसको बस घुमा देती हूँ. If I like the picture, I double tap it. Only on the picture, by the way. और ये fashion पहनने के लिए नहीं होती है. It's hard for people who not understand fashion to know this. But अगर जो high fashion के fans हैं, जो couture fashion के fans हैं, would know and understand this कि काफ़ी चीज़ें सिर्फ art form की तरह बनाई जाती हैं. She does recycle clothing, which is different. ओके, लेकिन काफ़ी चीज़ें आप रनवे पे देखोगे वो ऊटपटांग सी होगी, बट आर्टिस्टिकली इट माइट बी रियली ब्रिलियंट, जो नॉर्मल लेमैन को समझ में नहीं आएगी. उसको लगेगा कि क्या बनाया है फालतू सा, बट इज़ नॉट रियली फालतू, इज़ प्रिटी मच इन ए आर्टिस्टिक कंटेम्प्रेरी सेंस, विच इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड. इवन आई एम अ फैन ऑफ फैशन, मुझे थोड़ा थोड़ा कटोर, आई लव कटोर फैशन, लेकिन मुझे हाई फैशन इतना समझ में नहीं आता है. सो वैन आई एम ऑन ट्विटर एंड सर्चिंग फॉर लाइक फैशन एडवाइजेज, या फिर होते हैं बहुत सारे हाई फैशन अकाउंट्स हु आर एक्चुअली डूइंग देयर थीसिस या देयर मास्टर्स इन देयर फैशन इंडस्ट्री, एंड दे आर अप्रिशिएटिंग अ सर्टन लुक जो मुझे समझ में नहीं आता है क्या है, एंड देल बी लाइक अच्छा दिस इज वेरी ब्रिलियंट, दिस इज लाइक आर्टिस्टिक, दिस पॉइंटेड, हैव पॉइंटेड थिंग्स आउट जो हम ले मैन नॉर्मली नहीं देख सकते. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज लाइक सबकी निगाहें अलग अलग होती है, राइट? So that's what it is. Anyway, in general, it's not okay to like hate, send hates या फिर death threats या rape threats to anyone, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं अपनी life में अपने body के साथ या फिर अपने account के साथ. But I'm more than glad कि Slay Point ने बहुत सही तरीके से वो video बनाया. It was, अगर if I forget that I'm a fashion fan, if I know that I know कि ये सिर्फ art के लिए है, तो बहुत extremely logical reasoning और बड़ा मस्त बनाया video. And at the end of the day, it was not offensive at all to anybody. I appreciate that very much. And I hope you guys understood a little bit about fashion, jisko nahi samajh mein aata. Because I know jab mujhe cricket ka kuch bhi tappa nahi padta hai, you help me a lot. And help me ki aisa kyun bola tha un logo ne. So I just wanted to like clear it out ke there are certain forms which is called for ke aap sirf dekhne ke liye ya fir sirf experiment karne ke liye banate ho. It's not something that you actually wear it every day. So yeah, I hope you understood if at all. Anyway, I enjoyed it. Hope you did too. And I will see you guys next time. Bye, berries. Love you. Real long video. Abhi mujhe bhook lagi.